चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी यूनिट 4 फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, जिसको हम एरियल सर्वे भी कह सकते हैं। उसके दो टाइप्स थे, एक था टेरेस्ट्रियल सर्वे और एक था आपका एरियल सर्वे। टेरेस्ट्रियल और ग्राउंड सर्वे में हमारा कैमरा माउंटेड होता था नियर द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। और जो एरियल सर्वे होता था उसमें हमारा जो कैमरा माउंटेड होता था किसी एरियल व्हीकल्स पे लगा होता था। ठीक है, फिर उसके कुछ यूज़, कुछ एज इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है जो आपको याद दिलानी है कि इसी में एक टर्म आया था, वर्टिकल फोटोग्राफ। अब आज एक बार कंफर्म कर देना मेरी। यस सर। ठीक है, तो वर्टिकल फोटोग्राफ क्या होता है कि जब कैमरा माउंटेड है आपका किसी भी चीज़ में, उसका जो ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस अगर ग्रेविटी की डायरेक्शंस के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल फोटोग्राफ। और उस टाइम पर जो फोटोग्राफ लिया जाएगा उसको बोलेंगे हम वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, क्योंकि अगर एरोप्लेन में अगर हम कैमरा लगाएंगे तो उसका जो ऑप्टिकल एक्सिस है वर्टिकल ही होगा ना, ग्राउंड का फोटो लेने के लिए। लेकिन वो इतना वर्टिकल होना चाहिए कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में जो लाइन है उससे कॉन्साइड करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ। इसी में एक चीज़ और आती है, टिल्ट फोटोग्राफ। टिल्ट फोटोग्राफ मैंने बताया था कि अन इंटेंशनली अगर जो वर्टिकल एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस है जो होना चाहिए था आपका ग्रेविटी लाइन के साथ कॉन्साइड, वो थोड़ा सा टिल्ट है, 3 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 डिग्री के अराउंड वो टिल्ट है, तो उसको बोलेंगे हम टिल्ट फोटोग्राफ, वो भी अन इंटेंशनली टिल्ट है। ठीक है, इसी में एक और टर्म आता है ऑब्लिक। ऑब्लिक फोटोग्राफ वो होता है जिसमें इंटेंशनली टिल्ट किया गया है कैमरे का एक्सिस लगभग 30 डिग्री के अराउंड, तो उस फोटोग्राफ को हम बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ। उस एक्सिस पे फोटोग्राफ को खींचे हुए फोटोग्राफ को बोलेंगे हम ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है, इसके बाद जो आपका इसमें एक टर्म आया है मैप वर्सेस एरियल फोटोग्राफ, कि क्या डिफरेंस है हमारा मैप और एरियल फोटोग्राफ में। मैप तो हम बताते हैं GIS, GPS, इन सब से हमने मैप बनाया, और यहाँ पर हम मैप ही बना रहे हैं लेकिन फोटोग्राफ की हेल्प से मैप बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया है कि सबसे पहला जो आपका इसमें डिफरेंस है वो है कि जो मैप होता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो ऑर्थोग्रोनल होता है, और जो आपका एरियल फोटोग्राफ है उसका सेंट्रल प्रोजेक्शन या फिर प्रस्पेक्टिव प्रोजेक्शन हम कह सकते हैं। इसका मैंने एक एग्जाम्पल फोटो भी लिया है, ये देखो, ये प्रस्पेक्टिव है और ये है आपका ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है मैप में, और आप इसका इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो किसी बिल्डिंग का फोटोग्राफ देखना आप टॉप से लिया हुआ, और उसी बिल्डिंग का आप गूगल मैप पे देखना, तो व्यू में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड है मैप है सिंगल कॉन्स्टेंट स्केल, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन देयर एलिवेशन ऑन एन एरियल फोटोग्राफ। मैप जो होता है उसमें एक सिंगल स्केल होता है, या तो आप हार्ड कॉपी मैप की लेके आ रहे हो, जो आप मैप मिलता है इंडिया का किसी भी चीज़ का मैप लेके आ रहे हो, वो पूरा मैप एक ही स्केल पे ड्रॉ होता है। लेकिन जो फोटोग्राफी सर्वे है, एरियल फोटोग्राफी है, उसमें ये डिपेंड करता है आपका पॉइंट टू पॉइंट, ये डिपेंड करता है एलिवेशन के। लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने बताया था जो हाइट है, अगर प्लेन की हाइट ऊपर नीचे होती है तो उससे स्केल चेंज हो जाता है, लेकिन अगर एक प्लेन एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, यानी कि हमारा उसके साथ ही कैमरा माउंटेड है, कैमरा भी एक कांस्टेंट हाइट पे है, बट जो ग्राउंड का एलिवेशन है, ग्राउंड अगर फ्लैट नहीं है, इरेगुलर है, और फ्लैट तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ग्राउंड के इरेगुलरिटी की वजह से वो हाइट में चेंजेस आ रहा है फोटोग्राफ खींचने में, है ना, तो उसकी वजह से इसका पॉइंट टू पॉइंट स्केल वेरी करता है। सेकेंड डिफरेंस ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या रहा है, अमाउंट ऑफ डिटेल मैप आर सिलेक्टिव बट एरियल फोटोग्राफ वेल्थ डिटेल। ये तो आपको पता ही है कि जो कैमरे से लिया गया फोटो है उसमें ज़्यादा डिटेल होगी और जो मैप है उसमें कम डिटेल होती है। लेकिन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ड्यू टू सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लैरिटी ऑफ डिटेल इज मोर मैप ऑन दी देन दी फोटोग्राफ। क्योंकि आप एक मान लो एक सिटी है, उसका फोटो आपको मैं दिखाऊँ और मैप दिखाऊँ, तो आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे मैप में, कि वहाँ पे सिंबल्स बने होते हैं कि सिंबल बना हुआ है, ये आपका मेट्रो है, ये आपका हॉस्पिटल है,
तो आप आराम से पता चल पाओगे कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे ये है, पर फोटोग्राफ में नहीं पता कर पाओगे ये चीज़, है ना। तो ये चार डिफरेंस है मैप वर्सेस एरियल फोटोग्राफ में, सिंपल सिंपल से याद हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ, जो ड्राइंग है आपका एक फोटोग्राफ का, जब फोटोग्राफ लेते हैं हम, एक सेकंड बस। हाँ देखो, इसमें आपको एक जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, ये है फोटोग्राफ। पहली बात तो ये बताओ मुझे, कैमरे से जब हम कोई फोटो खींचते हैं तो फोटो कैमरे से बाहर निकल जाता है क्या? नहीं ना, वो फोटो कहाँ होता है? वो फोटो वहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे आपकी आई होती है ना, उसके अंदर वो उसकी इमेज बनती है फोटोग्राफ की। तो फोटोग्राफ की डिस्टेंस वहां से लेंगे, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी है, ये है आपका फोटोग्राफ, ठीक है। ये है आपका एक्सिस ग्रेविटी का, बट जो इसका ये टिल्ट हो चुका है, तो ये फोटो अगर टिल्ट फोटोग्राफ की वो है, तो ये है आपका कैमरा एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस। और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है फाई, ये है आपका टिल्ट एंगल, ठीक है। इसमें इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फिर आपके एक्सिस दिए हुए, नॉर्थ दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन दिखा रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। इस फोटोग्राफ को थोड़ा समझना है। इसके बाद जो आपका फोटोग्राफ है उस पे कुछ लाइनें बनी हुई हैं इस तरीके से, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं समझने की। इन दोनों की सेंटर लाइन पे टी बाय टू दिया हुआ है, वो तो हो गई। जब आपका ग्रेविटी एक्सिस है और कैमरा एक्सिस है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको टी बोला गया है, टी यानी कि टिल्ट एंगल, ठीक है। अगर दोनों टिल्ट एंगल जीरो होगा तो उसको बोलेंगे वर्टिकल फोटोग्राफ, अगर टिल्ट एंगल जीरो से थ्री डिग्री के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे टिल्ट फोटोग्राफ, अगर ये एंगल 30 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक फोटोग्राफ, ठीक है। और ये जो जहाँ पर ये इसका इंटरसेक्शन है पॉइंट, यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस और फोटोग्राफ का, इसी को प्रिंसिपल पॉइंट या फिर आइसोसेंटर हम कहते हैं, ठीक है। और नादिर पॉइंट हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस जो होता है आपका, जो आपका ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इसमें सारी चीज़ें पता चल गई। यहाँ पे अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्री बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, इसको मिलाए, तो टिल्ट एंगल यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक समझने का एक डायग्राम है कि अगर हम एक फोटोग्राफ ले रहे हैं तो एक तो फोटो दिखाई देगा, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, एक पॉइंट ओ होगा, एक एक्सिस होगा, एक ग्रेविटी की होगा, एक टिल्ट एक्सिस होगा, ऑप्टिकल एक्सिस। अगर बिल्कुल वर्टिकल होता तो और सिंपल फोटोग्राफ डायग्राम होता, अगर ये प्योर वर्टिकल फोटोग्राफ होता। इसके बाद आता है स्केल। स्केल द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन ए फोटो टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे कि बता चुका हूँ चीज़ को थोड़ा सा मैं, कि स्केल अगर आपको निकालना है एरियल फोटोग्राफी में, तो जो फोटो पे डिस्टेंस है और उसको डिवाइड कर देंगे ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है, तो रेशियो निकल जाएगा। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि अगर एक 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ हाईवे कवर 4 सेंटीमीटर एयर फोटो, द स्केल कैलकुलेट, अगर 1 किलोमीटर का हाईवे फोटोग्राफ पे 4 सेंटीमीटर में दिखाई दे रहा है, तो स्केल कैसे निकालेंगे? 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 किलोमीटर, यूनिट को सेम रखेंगे तो 1/25,000, ये हो जाएगा स्केल, ठीक है। बुक्स में लिखा हुआ है कैसे, डिस्टेंस ऑन द फोटोग्राफ, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ए बी स्मॉल ए बी अपॉन कैपिटल ए बी, और इस तरीके से निकाला हुआ है। ये जो नीचे डेरिवेशन दी हुई, ये अभी मैं बताऊंगा, इसको मत समझो अभी, केवल ये समझो स्केल कैसे निकालेंगे। फोटोग्राफ पे जो डिस्टेंस है उसी को अगर ग्राउंड पे मेजर कर लें, उन दोनों का रेशियो निकाल लें, तो आपको स्केल मिल जाएगा। यहाँ पे एक और डायग्राम दिया हुआ है, देखो ओ से लेके ए बी, ये जो स्मॉल ए बी दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे ए बी, ये फोटोग्राफ की लाइन है, ठीक है। और ओ है आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कैमरा, तो इसके बीच का जो एफ है, ये फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो आपका ओ से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस है, डेटम तक का, डेटम यानी मीन सी लेवल, बेंच मार्क, ओ पॉइंट से लेके बेंच मार्क तक का डिस्टेंस है कैपिटल एच, डेटम से ग्राउंड का लेवल है स्मॉल एच, और अगर आपको ग्राउंड से ओ तक का डिस्टेंस निकालना है तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। सिंपल से दोबारा से समझ लो कि हमारा जो ग्राउंड है
वो इरेगुलर होता है, कहीं पे हाइट ज़्यादा कहीं पे कम होती है, लेकिन एक हमारा बेंच मार्क होता है जिसके कंपेयर में हम आर एल निकालते थे, ठीक है। अगर बेंच मार्क को डेटम भी बोलते हैं, मीन सी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर डेटम तक की हाइट निकालनी है हमें ओ से, ओ क्या है, कैमरे का सेंटर पॉइंट, तो उसे बोलते हैं कैपिटल एच, ठीक है। और जो डेटम से ग्राउंड की हाइट है वो है स्मॉल एच, ठीक है। और इन दोनों के बीच की हाइट निकालनी है ग्राउंड से और लेंस से, तो वो होगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और फोकल लेंथ हो गई आपकी कैमरे की फोकल लेंथ एफ। अब इसमें देखो होता क्या है कि जो आपका ड्रोन होता है या आपका एयरप्लेन होता है जिसमें आपका कैमरा लगा हुआ है, वो कांस्टेंट हाइट पे ही उड़ता है, ठीक है। तो कांस्टेंट हाइट पे वो उड़ रहा है, पर जो स्मॉल एच है वो चेंज होता रहता है ग्राउंड की इरेगुलरिटी की वजह से, है ना, जिसके वजह से फोटोग्राफ का स्केल भी चेंज होता रहता है। तो जो स्मॉल ए बी है वो डिस्टेंस है फोटोग्राफ की, और जो कैपिटल ए बी है वो है ग्राउंड पर डिस्टेंस की, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट पूछना है? हाँ या ना, मैं जल्दी से बताओ। सर हाँ सर फोटोग्राफ वहीं स्टोर होगी ना जो लेंस होगी हाँ सर, ये लेंस एफ ए, जबकि देखो देखो देखो, कभी आप क्या, चलो अभी तो मेरे डायग्राम नहीं है मेरे पास, किसी कैमरे का डायग्राम देखना या टेलीस्कोप का, थियोडोलाइट लाइट में शायद नहीं दिखाया होगा, उसमें है ना एक कैमरा एक लेंस होता है आईपीस के पास जहाँ से आप देखते हो, एक लेंस होता है जिसको किसी एक फोकल डिस्टेंस पे, ठीक है। और वो फोकल डिस्टेंस पे ही हमारा क्या होता है, फोटोग्राफ बनता है। अगर उस फोटो लेंस को तुम कम ज़्यादा करोगे ना, कैमरे में अच्छा ही देखते हो तुम, जूम करने के लिए क्या करते हैं, जो कैमरा डिजिटल कैमरा आता है, डिजिटल नहीं मतलब कि जो डिजिटल कैमरा ही आता है, उसमें एक लेंस लगा होता है आगे, उसका रिंग घुमाते हो तो लेंस आगे पीछे जाता है, उससे जूम इन जूम आउट होता है ना। तो जूम इन जूम आउट कैसे होता है, फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करते हैं हम। आप ये मत समझो कि कैमरे के अंदर एक लेंस है और कोई हमने फोटो खींचा, वो फोटो उसी लेंस के पास आएगा और सेंटर जो है हमारा उसी लेंस से काउंट होगा, ऐसा नहीं है। उसमें मल्टीपल लेंस होते हैं, एक लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा करके हम उसकी वो निकालते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, उस पीस पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनती है, फोटो बनता है। और एक होता है आई पीस के पास लेंस, ठीक है। अब इसका और भी ज़्यादा है ना टेक्निकल जानोगे तो उसमें ऐसा होता है कि जो लाइट की रेज हैं वो हमारी कहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे बन रही है, पहले आपको देखा हो या आपने पढ़ा होगा कि हमारी उल्टी इमेज बनती है लेंस पे, फिर वो सीधी होती है दोबारा जाके इंटरसेक्ट होके दूसरे लेंस पे, है ना। तो इसको ज़्यादा मत समझो, ये समझो दो लेंस है, एक आई पीस एक ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस वाला जो एफ लेंथ पे आई पीस से, और जो हमारी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्टिव पीस से बन रही है, इतना समझो बस, ठीक है। और ये फोकल लेंथ जो होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कैपिटल एच जो है हमारा वो भी कांस्टेंट होगा, सारी चीज़ें क्या चेंज होगी, स्मॉल एच हमारा चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हमारा जो स्केल है फोटोग्राफ पे पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, लेकिन मैप में नहीं होता, ठीक है। ये फोकल प्लेन है, ये लेंस है आपका, और यहाँ पे फोकल लेंथ होगी ग्राउंड अबाव प्लस ग्राउंड लेवल एलिट्यूड हो गया, ये आपका ग्राउंड है, नीचे आपका हो गया क्या कहते हैं डेटम से हाइट, ठीक है। इसमें एक चीज़ और, इफ़ द कैमरा फोकल लेंथ इज़ 152 mm एंड द प्लेन, मतलब हर कैमरे की फोकल लेंथ अलग होती है, तो फोकल लेंथ जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसे जितना भी सर्वे करेंगे फोकल लेंथ कॉन्स्टेंट होगी, अगर आप उसकी सेटिंग को नहीं छेड़ रहे हो तो। एंड द प्लेन्स एल्टीट्यूड अबाउ ग्राउंड लेवल एच जी एल इज 7600 मीटर यूजिंग द सेम इक्वेशन ऑफ द स्केल। सिंपल सा चीज़ें दी हुई हैं, फोकल लेंथ गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, आपको स्केल निकालना है, ठीक है। तो स्केल यहाँ से हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब दोबारा एक चीज़ इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि अभी जो मैंने स्केल का इक्वेशन बताई थी वो बताई थी फोटो पे डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड पे डिस्टेंस, लेकिन वहाँ पे क्या होता है सिमेट्रिक हमारे ट्रायंगल बनते हैं, तो वहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि ऊपर का फोकल लेंथ डिवाइड बाय एल्टीट्यूड लेट ए जी एल, ठीक है। इस तरह से भी आप स्केल निकाल सकते हो, या फिर फोटो पे डिस्टेंस अपन ग्राउंड पे डिस्टेंस, इस तरह से भी आप स्केल निकाल सकते हो। तो इस वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है वर्टिकल और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, इन दोनों के रेशियो से भी 1/550,000 का स्केल आ गया है। अब जो स्केल है ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं हम, जो स्केल है उसको तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट इक्विवेलेंट, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ और रेशियो।
यूनिट इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 mm इजकल टू 25 मीटर, ये क्या है यूनिट इक्विवेलेंट। आरएफ क्या होता है, 1/25,000, ये आरएफ हो गया। रेशियो क्या होता है, 1:25,000। इस तरीके से इसमें इमेज में नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है लार्ज स्केल स्मॉल स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल स्मॉल के स्केल बताने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो लार्ज स्केल है उसका क्या मतलब है और स्मॉल स्केल का क्या मतलब है। सर लार्ज स्केल वो स्केल होगी जिसका एक यूनिट बहुत बड़ी एरिया को कवर कर सकता है, आई मीन बहुत बड़ी लेंथ को रिप्रेजेंट करता हो, और स्मॉल स्केल उसका उल्टा होगा है। यस सर। देखो अब यहाँ पे देख लो क्या दिया हुआ है, तुमने कहा है कि लार्ज स्केल वो स्केल है जो 1 cm इक्वल टू 100 मीटर है और 1 cm इक्वल 10 मीटर, इनमें से लार्ज स्केल कौन सा है कोई बताए। 1 cm इक्वल टू 100 मीटर और 1 cm इक्वल टू 10 मीटर, ऐसा क्यों लग रहा है इसका ठीक उल्टा होगा? हाँ ऐसा क्यों लग रहा है इसका ठीक उल्टा होगा? हाँ ठीक उल्टा होगा इसका, इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। मैं कह रहा हूँ 1 cm इज इक्वल टू 10 मीटर और 1 cm इज इक्वल टू 100 मीटर, इनमें से स्मॉल स्केल कौन सा है और लार्ज स्केल कौन सा है कोई एक बताओ, फिर मैं इसके आगे लिखता हूँ वो चीज। चलो इसकी डेफिनेशन को 10 मीटर वाला लार्ज होगा, हाँ, और उसका नीचे वाला स्मॉल होगा। स्मॉल होगा भाई, ये ध्यान रखना है, अपोजिट होता है जो हम सोचते हैं उससे अपोजिट होता है भाई। जो लार्ज का मतलब है लार्ज स्केल यूज कर रहे हैं, यानी कि 1 cm इक्वल टू 10 मीटर, इसका मतलब क्या होगा कि कम डिटेल आएगी है ना, बड़ा मैप बनेगा। और इसका मतलब क्या, 1 cm इक्वल टू 100 मीटर का बड़ा एरिया छोटे एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा है ना, इसलिए स्मॉल स्केल है। या इसको ऐसे समझ, ऐसी तरह से समझ लो कि जिस स्केल से बड़ा एरिया बहुत छोटे में कन्वर्ट हो जाए वो स्मॉल है, जिस स्केल से छोटा एरिया ज़्यादा छोटा ना बन सके वो लार्ज स्केल है। इस तरीके से पढ़ लो या फिर उसका अपोजिट याद कर लो है ना। अगर आप किसी एक मैप को, किसी एक सिटी को इन दोनों स्केल से मैप बनाओगे, एक सिटी है उसका मैप बनाना है, एक बंदे ने यूज़ किया 1 cm इक्वल टू 10 और एक बंदे ने यूज़ किया 1 cm इक्वल टू 100 मीटर, तो क्या होगा, पेपर साइज किसका बड़ा होगा, पेपर साइज ऊपर वाले का बड़ा होगा 1 cm 10 मीटर, और जो पेपर छोटे पेपर पे आ जाएगा ये वाला आ जाएगा नीचे वाला, इसलिए इसको स्मॉल स्केल बोलते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, इसमें कंफ्यूजन कोई भी हो सकता है कभी भी, इसका ध्यान रखना, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल, ठीक है। इसमें भी देख लो थोड़ा सा के स्केल तो हमें पता चल गया था, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे दो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में इसको पेंट में ले आते हैं, इस वाले डायग्राम में जो आपका ड्राइंग बनाई हुई है वो बनाई हुई है फ्लैट ग्राउंड की, तो फ्लैट ग्राउंड में कैपिटल एच है आपका डेटम से लेंस उसके तक सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस के तक डिस्टेंस है कैपिटल एच, स्मॉल एच है डेटम से आपका ग्राउंड तक। तो इस तरीके से आपका ये मैप दिया हुआ है, इसमें स्मॉल ए बी जो है आपका फोटो पर डिस्टेंस और कैपिटल ए बी जो है आपका यहाँ पे बी होगा, ये है आपका ग्राउंड पर डिस्टेंस, एफ एफ फोकल लेंथ। अगर इसका स्केल हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, फोटो डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस, ए बी अपन ए बी, कैपिटल ए बी, ए बी क्या है आपका एफ और ए बी क्या है आपका कैपिटल एच। अगर इसको ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकालें तो इसके मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये एफ इज इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है।
जो हमारा स्केल है, अगर हमें डिस्टेंस नहीं पता है फोटो पे डिस्टेंस और ग्राउंड पे डिस्टेंस नहीं पता है, तो क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा के हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है, फोकल लेंथ डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये याद रखना है आपको, कुछ इसमें बड़ी कैलकुलेशन ये ना समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब दूसरा जो डायग्राम है उसमें क्या दिखाया गया है कि ग्राउंड जो हमारा इरेगुलर है, यानी कि एच वन है एक पॉइंट पे और एच टू है दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्केल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे स्केल जैसे कि वो डेफिनेशन बता रही थी मैप वर्सेस एरियल फोटोग्राफ में कि पॉइंट टू पॉइंट स्केल चेंज होगा, तो यहाँ पर स्केल अलग होगा, यहाँ पे स्केल अलग होगा, यहाँ पे क्योंकि इस फॉर्मूले में लेंगे एच वन और इस फॉर्मूले में लेंगे हम एच टू। मैंने फॉर्मूले का फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये रहा स्केल जो है हमारा पहले वाला ए बी अपॉन ए बी कैपिटल ए बी, एफ अपॉन एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच वन, और दूसरा स्केल क्या आ रहा है दूसरे पॉइंट पे, सी डी अपॉन सी डी इजकल टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच टू। तो एच जो है डेटम से मीन सी लेवल से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, उस हिसाब से स्केल हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एस इजकल टू एफ अपॉन एच माइनस एच स्मॉल एच। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब आता है एक और इसमें चीज़ आती है कि आपके ग्राउंड पे कोई लाइन है ए बी, उसकी लेंथ कैसे निकाले, उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमारा जो स्मॉल एच वो वेरी कर रहा है, तो हम उसके फॉर्मूला दूसरे तरीके से निकालेंगे उसकी लेंथ। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ये रहा द लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए वर्टिकल फोटोग्राफ। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूले की बात हो रही है वर्टिकल फोटोग्राफ की बात हो रही है, यानी ऑप्टिकल एक्सिस कॉन्साइड कर रहा है आपका ग्रेविटी एक्सिस के ऊपर। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू, तो उसके में क्या कह रही है, कह रहा है कि ऐसे ही बता देता हूँ मैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं फोटोग्राफ पे और जो हमारे ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं उस लेंथ लाइन की लेंथ को। तो कैसे दिया हुआ है, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू स्केल। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल फोटोग्राफ है प्योर, ठीक है, तो इसलिए इसमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो स्मॉल एक्स क्या है आपका फोटोग्राफ पे कोऑर्डिनेट और कैपिटल एक्स क्या है ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट के साथ हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अगर हम ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट निकालें तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर एक्स ए निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से आया ये भी, एच माइनस एच ए क्या है पॉइंट ए पे हाइट और एफ है और एक्स ए क्या है पॉइंट ए पर का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, इसको यहाँ पे भी और मैं बता देता हूँ, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे ए और कोई पॉइंट है ग्राउंड पे बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कैपिटल एक्स ए और वाई ए, कैपिटल ए वाई ए, इस तरह इसके क्या होंगे कैपिटल एक्स ए बी और कैपिटल वाई बी। ठीक है, और जो फोटोग्राफ पे इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल एक्स ए वाई ए स्मॉल एक्स बी वाई बी, ये है आपका। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ए बी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है, ये पहले तो कैपिटल एक्स ए का फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर कैपिटल एक्स बी का दिया हुआ है, फिर वाई ए वाई बी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये केवल इसी इक्वेशन से निकला है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल है, कैपिटल एच गिवन होगा, फोकल लेंथ गिवन होगी, एक्स ए स्मॉल एक्स ए भी गिवन होगा आपको और एच ए वेरी कर रहा होगा, तो इस हिसाब से आप इसमें निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर। और अगर लाइन, अभी तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ना, अगर लेंथ निकालनी हो लाइन की तो उस तरीके से निकालते हैं, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने फिर लेंथ ऑफ द लाइन निकालनी है। अब इसके ऊपर आते हैं कुछ न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा समझना है, आते हैं एग्जाम में। ए लाइन ए बी मेजर्ड 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी कि ग्राउंड पे नहीं है फोटोग्राफ पे है। ठीक है, फोटोग्राफ पे जो लेंथ एक ए बी की लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर, टेकन विद द कैमरा हैविंग फोकल लेंथ क्या है 21.5 सेंटीमीटर, द सेम लेंथ मेजर ऑन द मैप, मैप पे वो लाइन मेजर की गई है तो 3 सेंटीमीटर है, और मैप पे स्केल जो यूज़ किया गया वो ये किया गया है, और जो फ्लाइंग हाइट है आपकी वो दी हुई है आपकी कितनी 350 मीटर। तो निकालिए आपको स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक है, ये अभी थ्योरी में बताया नहीं है मैंने, पर यहाँ पे समझ लो इस न्यूमेरिकल के थ्रू, और कहीं दिया हुआ नहीं है डाटा। इसमें क्या दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है मैप का
फोटोग्राफ का स्केल निकालना है, यानी कि एक ही चीज को मैप पे भी दिखाया गया है, फोटोग्राफ में भी दिखाया गया है। मैप पे जो दिखाया गया उसका स्केल हमारे पास है, फोटोग्राफ पे कुछ डाटा है, जैसे फोकल लेंथ है, फोटोग्राफ की लाइन की लेंथ है और हाइट है, बट हमारे पास फोटोग्राफ का स्केल नहीं है। तो उस स्केल के लिए हमें चाहिए होता है कैपिटल एच। तो इन्होंने इस रेशियो से निकाला हुआ है, फोटो स्केल डिवाइड बाय मैप स्केल। फोटो पे डिस्टेंस है ए बी की और मैप पे डिस्टेंस है ए बी की। तो फोटो स्केल अननोन है एस, मैप स्केल गिवन है। फोटो डिस्टेंस ए बी 11 सेंटीमीटर है, मैप पे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और इससे हमारा क्या निकल गया, एस स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। फिर एच से आप इसमें पूछा गया है कि फोटो स्केल की जो आपकी फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एस आपको गिवन है, तो इससे जो हाइट ऑफ द क्राफ्ट है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है ना स्टूडेंट्स को, वो होती है कि एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है ये इसको हाइट समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये जो एल्टीट्यूड दिया हुआ है ना, वह हाइट हमेशा ज़्यादा होगी। अगर एरियल फोटोग्राफी हम कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हाइट होगी, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 1200-1500 मीटर, 100-200 मीटर है, तो वो आपकी क्या होती है, बेंच मार्क से ग्राउंड का हाइट, स्मॉल एच। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, कहीं कहीं डायरेक्ट दी होती है कि हाई फ्लाइंग हाइट इतनी दी हुई है, फ्लाइंग हाइट से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा अंदाजा लगाना है कि कभी भी एरियल फोटोग्राफी होती है वो 1000-2000 इतने मीटर पे होती है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, ए लाइन 2350 मीटर लाइंग इन द एलिवेशन, 2350 दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है आपका हाइट ऑफ द एरियल व्हीकल। फिर 500 मीटर दिया हुआ है स्मॉल एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच गिवन है, कैपिटल एच और स्मॉल एच गिवन है मेजर। और फोटोग्राफ पे डिस्टेंस, यानी कि क्या है ये, ए बी, स्मॉल ए बी गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा एफ गिवन है। डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ, ये कह रहा है कि सारा डाटा गिवन है, वो कह रहा है कि लेकिन स्केल मुझे बताओ डिफरेंट हाइट पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने स्केल एट 500 पे निकाला। देखो यहाँ मैंने गलती कर दी और किसी ने टोका नहीं है, इसमें लिखा हुआ ए लाइन इतने मीटर लॉन्ग लाइंग एट एलिवेशन एच, स्मॉल एच, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2350 एकदम पढ़ के और इसको हाइट ऑफ व्हीकल मान लिया, लेकिन इसमें लिखा हुआ ए लाइन इतने मीटर लॉन्ग, ग्राउंड पे लाइन की लेंथ है। ठीक है, ग्राउंड पे जो होती है वो किलोमीटर्स में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्केल एट 500 पे हमने फॉर्मूला लगाया और कैपिटल एच निकाल लिया। फिर कैपिटल एच का इस, फिर हमने स्केल का फॉर्मूला लगाया 1200 मीटर पे, वहाँ पे कैपिटल एच गिवन है, तो हमने वहाँ से स्केल निकाल लिया। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, कंफ्यूजन हो गई होगी। लाइन की लेंथ गिवन है ग्राउंड पे और फोटो पे भी गिवन है। ठीक है, और स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, एक कि आपका फोटो की लेंथ डिवाइड बाय ग्राउंड की लेंथ, तो 10.50 डिवाइड बाय 2350। और स्केल का एक और फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एच माइनस स्मॉल एच, तो उस फॉर्मूले के इक्वल टू कर दिया, तो इसमें सारी बस एक चीज़ अननोन है, कैपिटल एच। तो एट 500 मीटर पे हमने कैपिटल एच निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एच तो हमारा कॉन्स्टेंट है ना, तो कैपिटल एच कॉन्स्टेंट है, वो हमारा निकल गया 4976 मीटर। अब हमें स्केल निकालना है 1200 मीटर पे, तो वही फॉर्मूला लगाया, हमारे सब कुछ पता है हमें, और हमने स्केल निकाल लिया 1200 मीटर पे। थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, वही आपका कोऑर्डिनेट दिए हुए ए बी पॉइंट के, एक्स ए वाई ए, एक्स बी वाई बी, और डाटा यहाँ पे गिवन है, आपको वही इक्वेशन लगानी है। कैपिटल एक्स ए, कैपिटल एक्स ए क्या है, ग्राउंड पे ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, फॉर्मूला गिवन है, सारा डाटा गिवन है, आपने निकाल लिया, निकल गया 299.33। लेंथ निकालनी है ए बी की। ठीक है, उसी की तरह आपने ग्राउंड पे ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकाला, इस फॉर्मूले से सारी चीज पुट की, ये निकल गया। बी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, बी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट निकाला, फिर एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर अंडर रूट किया, तो ए बी की लेंथ निकल गई। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, सारी चीज़ सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं देखना है, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ये ध्यान रखना है, तो नेगेटिव में वैल्यू आई है और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। सिंपल सा एच माइनस ये एफ अपॉन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, उसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं। हमारे पास था स्मॉल एक्स बाय कैपिटल एक्स इज डिवाइड इक्वल टू एफ बाय
एच माइनस स्मॉल एच, इसी इस फॉर्मूले से सारी चीज़ ड्राइव की गई है। कैपिटल एक्स ए निकालना है एक बार में, एक बार बी निकालना है, एक बार वाई ए वाई बी, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आपका एरियल फोटोग्राफ में कुछ न्यूमेरिकल, कुछ बेसिक चीज़ें। और मैंने बताया नहीं बताया कि सिलेबस जो है आपका बहुत ज़्यादा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यून शायद रिवीजन का टाइम ना मिले पीयूई के आने तक, सिलेबस ही कंप्लीट ना हो। तो मैंने एक चीज़ सोची है कि प्रीवियस जो भी पढ़ाया गया है उसके न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, तो एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल हर क्लास में लास्ट के 10 मिनट में कराया जाए। ठीक है, जिससे चीज़ें क्लियर भी होती जाएँ, क्योंकि अब तो थ्योरी वाली यूनिट है, अगर एक आध टॉपिक थ्योरी का रह जाता है तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल का रिवीजन ज़रूरी है। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक न्यूमेरिकल से, तो बस जल्दी जल्दी सॉल्व हुए हैं, बस मुझे बताने हैं जिससे आपकी चीज़ें सारी रिमाइंड हो जाएं। देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए बी ऑन ग्राउंड, यूनिट फर्स्ट का, ए डिस्टेंस ऑन ग्राउंड ए बी इज प्लांट ऑन स्केल ऑफ इतना। एक ग्राउंड पे एक लाइन है ए बी जिसका स्केल कितना है, 1 cm to 50 m। ठीक है, और जब उसको हमने इस स्केल से पता किया कि उसकी लेंथ क्या है ग्राउंड वाले की, तो 500 m है। ठीक है, लेटर इट वाज डायरेक्ट, बहुत सिंपल सा है, सिंपल लैंग्वेज में बताया था, सर्वर स्केल रॉन्गली स्केल फाउंड 1 cm = 40 m। क्या हुआ, ग्राउंड पे एक लाइन थी ए बी, उसको सर्वेयर ने जब मेजर किया स्केल यूज करके तो 500 m वो निकली, लेकिन बाद में सर्वेयर को पता चला कि यार मैंने तो 1 cm = 50 m मुझे लेना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से कैलकुलेशन में ले लिया है स्केल 1 cm = 40 m, स्केल इसने गलत यूज़ कर लिया है। अब गलत यूज़ करके जो उसने 500 मीटर लेंथ निकाली, यानी वही 500 मीटर भी गलत है, तो दोबारा से कैलकुलेशन किए बिना हम कोई एक फॉर्मूले से कैसे करेक्ट लेंथ निकालें, वो इस न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो बहुत सिंपल है आपका, देखो जो 500 निकली है उसको आपका जो स्केल यूज़ किया हुआ है उससे जाकर डिवाइड कर दोगे तो आपको वो लेंथ निकल जाएगी जो मैप के ऊपर है, 12.5 cm। ठीक है, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो जो एक्चुअल स्केल है तो आपका ट्रू लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, जिस स्केल को यूज़ करके आपने वो लाइन की लेंथ हमें बताई है, अगर हम उससे वो लेंथ निकाल लें जो मैप पे होगी 12.5 cm, फिर उसको एक्चुअल स्केल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ट्रू डिस्टेंस आ जाती है 625। ये जो न्यूमेरिकल है ना दो नंबर में आते हैं लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, तो 625 m आ जाएगी। दूसरा है आपका एरिया ऑफ ए प्लान ऑन ओल्ड सर्वे प्लॉटेड स्केल 15 m to 1 cm एंड नाउ मेजर 80.2 cm फाउंड ए प्लेनीमीटर प्लेन फाउंड ओरिजिनली इतना सेंटर लॉन्ग 90। देखो हुआ क्या कि एक आपके पास प्लान था, बहुत पुराना प्लान था, कुछ साल पुराना, 5-10 साल पुराना वो प्लान, उस पर जो स्केल था वो 10 cm की एक लाइन खींची हुई थी और स्केल जो यूज़ किया गया था 1 cm = 15 m, और उस पर जो डिस्टेंस एरिया मेजर किया वो 80.2 cm² हमने एरिया फाउंड किया। लेकिन क्या हुआ आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जब हमने मैप के उसको प्लान को मेज़र किया तो हमारा प्लान श्रंक हो गया, तो अब श्रंक हो गया तो सारी वैल्यू गलत आ रही होंगी। जो हमारे पास 10 cm की लाइन है वो हम मेज़र कर रहे हैं अब प्रेजेंट डेज में तो 9.8 cm आ रही है, तो हम करेक्ट एरिया कैसे निकालें। तो इसका जो तरीका है बता चुका हूँ वैसे तो पहले भी मैं, लेकिन एक बार रिमाइंड हो जाएगा आपको, सबसे पहले आपको निकालना है श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर का फॉर्मूला होता है श्रंक लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो मैप के ऊपर एक लाइन बनी होती है उसके ऊपर लिखा होता है 10 cm की लाइन है, आज से 5 साल पहले वाला मैप है, आज आपने प्रेजेंट में जब उसको किसी स्केल से मेजर किया तो 10 cm ना होके कितनी दिखा रहा है, 9.8 cm। ठीक है, तो इसी चीज़ से आप निकाल लोगे श्रंक फैक्टर कि श्रंक लेंथ क्या 9.8 और ओरिजिनल लेंथ क्या 10, तो आपका श्रंक फैक्टर आ गया 0.98। ओरिजिनल स्केल जो यूज़ किया था जो कोने पे लिखा होता है मैप पे 1 cm = 15 m, तो श्रंक स्केल क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। तो श्रंक फैक्टर आपका आ गया 0.98 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल, तो आपका श्रंक स्केल आ जाएगा 14.70। अब आपको निकालना है करेक्ट एरिया, तो करेक्ट एरिया का सिंपल फॉर्मूला है मेजर्ड एरिया जो एरिया मेजर किया डिवाइड बाय श्रंक फैक्टर का स्क्वायर। श्रंक फैक्टर आपको पता है, मेजर एरिया आपको पता है 18.2, आपका निकल जाएगा ट्रू एरिया 83.51 cm². ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, मीटर नहीं होगा सेंटीमीटर होगा, तो आपका जो पहले कितना आ रहा था 80.2 अब आ रहा है 83। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है, पहले श्रंक फैक्टर फिर श्रंक स्केल, दोनों चीज़ पूछी गई है,
ट्रू एरिया के लिए तो केवल श्रिंक फैक्टर चाहिए हमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आपका इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल, आगे टाइम और ले लेके बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो पुरानी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। एक चीज़ और, ये आप रट लो ये चीज़ तो, कि हाइपोटेंशियल एलोएंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला एल सेक थीटा माइनस वन होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि जब चेन से हम कोई डिस्टेंस स्लोप पे मेज़र करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कोई एक एरर आएगा, ये स्लोप पे मेज़र की है तो अगर इस ये जो आपका इंक्लाइन लाइन है इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली नीचे लेड करूँ तो ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा है यही एरर है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसी को हाइपोटेंशियल एलोएंस बोलते हैं, ये आपका एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो फॉर्मूला रट लो, हाइपोटेंशियल एलोएंस का फॉर्मूला एल सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन ए स्लोप इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड राइज 3.2 मीटर, ये 3.2 है ग्राउंड राइज हो गया है, 20 मीटर की चेन यूज हो रही है, फाइंड द एंगल ऑफ स्लोप, स्लोप एंगल। अगर एक ट्राइंगल में हाइट पता है बेस पता है तो एंगल तो आप निकाल ही सकते हो, साइन थीटा लगा के साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब कह रहा है हाइपोटेंशियल एलोएंस निकालो, उसका फॉर्मूला एल सेक थीटा माइनस वन, एल क्या है आपका 20 मीटर, सेक थीटा थीटा आपने निकाला हुआ है उससे आपका निकल गया 26.1 सेंटीमीटर। सिंपल है, बहुत सिंपल, ये आता है कॉम्पिटिशन में भी आता है और एक्सटर्नल एग्जाम में भी आता है, दो या दो नंबर का, और सिंपल फॉर्मूला लगाना है इसमें, ये याद कर लेना आप, समझ में ना आए तो रट लेना, हाइपोटेंशियल एलोवेंस इज इक्वल टू एल सेक थीटा माइनस वन, सर्वेइंग में चैन सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हम करते जाएंगे, जैसे आज छोटे न्यूमेरिकल थे तो 10 मिनट रखी है मैंने, बड़ा न्यूमेरिकल होगा तो 15 मिनट रख दूंगा, तो थ्योरी का भी चलता रहेगा और आपका ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। मुझे पता है कि एक तो वाले न्यूमेरिकल मुझे 3-4 टाइप के कराने हैं, कंपास वाले, और एक मेरे को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल वाले कराने, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स के और 100% आने ही आने हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लो प्रीवियस ईयर का, आते ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आज की क्लास को यहीं पे, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। है ना, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप भी करनी होती है, मैं स्टॉप नहीं करता, वहाँ पे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है।